आज हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर पर ट्रेड करेंगे। मूविंग एवरेज इंडिकेटर कैसे काम करता है हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। आप वीडियो में मूविंग एवरेज इंडिकेटर की सेटिंग देख सकते हैं। मुझे मूविंग एवरेज की अवधि 15 रखनी है और उसका रंग पीला रखना है। आप मूविंग एवरेज का रंग अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं। अब आपका मूविंग एवरेज इंडिकेटर ट्रेडिंग में आपकी मदद करने के लिए तैयार है। मूविंग एवरेज इंडिकेटर कैसे करता है? मूविंग एवरेज इंडिकेटर की कंडीशन क्या है? यस, जानना जरूरी है। चलिए जानते हैं। डाउनसाइड के लिए मूवी कैसे काम करेगा? कोई भी चार्ट हो, अगर कोई भी रेड कैंडल ऊपर से आकर नीचे की तरफ मूविंग एवरेज इंडिकेटर को क्रॉस करता तब उसके बाद हम डाउनसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर चार्ट में कोई भी ग्रीन कैंडल हो, वो ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ मूविंग एवरेज इंडिकेटर को क्रॉस करता है, उसके बाद हम अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। चलिए हम आगे वीडियो में ट्रेड करते हुए समझते हैं। यहाँ पर मूविंग एवरेज को रेड कैंडल ने क्रॉस किया है। अब हम डाउनसाइड के लिए एक ट्रेड प्रेस करेंगे। यहाँ नीचे की साइड में एक सपोर्ट जोन है। उस सपोर्ट जोन को टच करने के लिए एक रेड कैंडल बनाना चाहिए। अगर सपोर्ट जोन को रेड कैंडल ने टच किया होता तो मेन एस चार्ट पर ट्रेड नहीं करता। लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल ने सपोर्ट जोन को टच नहीं किया है, इसलिए डाउनसाइड के लिए ट्रेड किया। हमारा ट्रेड सर शॉर्ट था। मूविंग एवरेज इंडिकेटर अच्छा काम करता है। अब हम दूसरे मार्केट में चलते हैं। अभी के टाइम ये मार्केट ट्रेडिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर अभी नीचे के साइड में एक ट्रेंड लाइन है, जिससे मार्केट बार बार बाउंस बैक कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को रेड कैंडल ब्रेक डाउन नहीं करता है तब उसके बाद हम अपसाइड के लिए ट्रेड प्रेस करेंगे। लेकिन अगर रेड कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देता है FIR, उसके बाद हम अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट जोन भी और ब्रेक डाउन के बाद एक रिजेक्शन कैंडल बनाना चाहिए। यहाँ पर कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया है। अब हम अपसाइड के लिए ट्रेड प्रेस करेंगे। अब हमारा सेकंड ट्रेड विन रहा है। अगर आप लॉग वीडियो को अच्छे से देखें, तब आपको सब समझ में आएगा। मूविंग एवरेज इंडिकेटर पर ट्रेड करना आसान है, लेकिन अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो टैब हेम वहां पर ट्रेड संभल कर करना चाहिए। चलो नेक्स्ट मार्केट समझते करते हैं और ट्रेड करते हैं। इस मार्केट में ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट कर देता FIR, हम अपसाइड के लिए 1 मिनट का ट्रेड प्रेस करेंगे। लेकिन ट्रेड तभी प्रेस करेंगे जब एक रिवर्सल कैंडल बनेगा, मींस एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद हम अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। यहां पर ग्रीन कैंडल ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर चुका है, अब हम एक रेड कैंडल बनाने का इंतजार करना चाहिए। रेड कैंडल बनाने के बाद हम अपसाइड के लिए 1 मिनट के लिए ट्रेड प्रेस करेंगे। रेड कैंडल बना चुका है। अब हमने अपसाइड के लिए 1 मिनट का ट्रेड प्रेस कर दिया है। ये ट्रेड भी विन हुआ है। हमने 3 ट्रेड डायरेक्ट विन किया है। यहां पर हमने एक भी मार्टिंगेल का उसे नहीं किया है। ऐसे हाई एनालिसिस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। कमेंट कर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। किसी को भी मेरे साथ ट्रेडिंग करना है या मेरा ट्रेड कॉपी करना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा।
आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे और डेली मेरा ट्रेड कॉपी करके अर्निंग कर सकते हैं। मेरा हिंदी भाषा में कुछ एरर्स है जिसे मैं जल्दी हाई ठीक कर लूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।